सुपेला थाना पुलिस ने 68 असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 10 दोपहिया वाहनों में लगे मॉडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई कर ₹50,000 फाइन किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर एवं एएसपी अभिषेक झा, डीएसपी भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में अड्डेबाजी करने वाले लोगों के विरुद्ध सुपेला थाना पुलिस विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के मद्देनजर अड्डेबाजी वाले स्थानों को चिन्हांकित कर थाने के अधिकारी कर्मचारी की टीम बनाकर मौके में अड्डेबाजी करने वाले स्थानों में जहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है वहाँ दबिश देकर शराब आदि सेवन करते पकड़ा जा रहा है। सुपेला पुलिस द्वारा लगातार एक सप्ताह में कुल 68 अड्डेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान एक आरोपी से मोपेड वाहन में देशी शराब का विक्रय करते पकड़ा गया है, जिसे जेल भेज दिया गया। इसी तरह मोटरसाइकिल बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले 10 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹50,000 फाइन किया गया है। देर रात्रि तक खुलने वाले चाय अड्डों, पान ठेलों वालों को समझाइश देते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभियान की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा स्पष्ट रूप से सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से अड्डेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसी संबंध में पुलिस के द्वारा लगातार इसके लिए कवायद की जा रही है। अलग अलग जगह पे पैदल पेट्रोलिंग, बाइक पेट्रोलिंग या फोर व्हीलर से अलग अलग पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्च वगैरह वगैरह चीज़ किए जा रहे थे लगातार, कि अड्डेबाजी को रोका जा सके। सुपेला पुलिस में भी इस तरीके के अभियान समय समय पर जारी रहते हैं, और पुलिस के द्वारा कुछ 12 पॉइंट्स को हमने चिन्हांकित किया था जहां पर ये अड्डेबाजी की लगातार लोगों के द्वारा शिकायत मिलती थी, और पुलिस के द्वारा भी देखे जाने पर वहां पर काफ़ी लोग कई बार पकड़े गए हैं। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर इन 12 जगहों को टारगेट करके वहां पर कार्रवाइयाँ की हैं, जिससे पिछले एक सप्ताह के अंदर में 68 लोगों के विरुद्ध में पुलिस ने अड्डेबाजी करते हुए पाए जाने पर या शराबखोरी करते पाए जाने पर FIR किया है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इसके अलावा एक व्यक्ति के विरुद्ध में 34-2 की कार्रवाई की गई है। उसके पास अतिरिक्त शराब जो मात्रा होती है, निर्धारित मात्रा होती है, इससे अतिरिक्त शराब पाए जाने पर उस पर 34-2 की कार्रवाई की गई है। कुछ बाइकर्स जो होते हैं मॉडिफाइड साइलेंसर्स के माध्यम से लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब होता है, ध्वनि प्रदूषण अलग होता है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। करीब 10 लोगों के विरुद्ध में पुलिस के द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर या जो प्रेशर हॉर्न होते हैं उसके विरुद्ध में पुलिस की कार्रवाई की गई है, जिसे 50,000 के आसपास समान शुल्क वसूल किया गया है। बहरहाल सुपेला थाना पुलिस की लगातार अड्डेबाजों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई से थाना क्षेत्र में अड्डेबाजी पर अंकुश लगा है, तथा रात्रि में घूमने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सुपेला पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।